तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त अमिन दीपू और आज एक फ्रेश ब्लॉग के साथ आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, अभी चल रहा है कोरोना, तो कोरोना में लॉकडाउन में कोई कंटेंट जो है वो मिल नहीं रहा है, तो कंटेंट खोजना पड़ता है और कंटेंट बनाने से बनता है। तो अपने पास एक बाइक है, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे आप जुड़े हुए हैं तो ऑलरेडी देख चुके होंगे, एक ओल्ड मॉडल बुलेट है मेरे पास जिसको रीस्टोर कराया गया है। तो उसका आज एक फ्रेश ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करने वाले हैं और हर एक डिटेल शेयर करेंगे, मतलब इस ब्लॉग पर बने रहिए। और बाइक कौन सा है वो देख सकते हैं, मेरे पीछे में है ये बाइक रहा। और मेनली ये जो बाइक है ना, उसका पुराना वाला जो पिक्चर है वो तो ऑलरेडी आप देख चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या था और क्या बना दिया गया है। तो उसको बनाने में कुछ पैसा लगा होगा, क्या कॉस्ट लगा है, कितना मेहनत लगा है, कितना टाइम लगा है, हर एक डिटेल इसमें शेयर करेंगे। तो भाई दिखा सकते हो, थोड़ा पास आना, यहाँ इंजन दिखा सकते हो। तो आप देख सकते हैं ओल्ड मॉडल बुलेट है, जैसा कि आप लोग सब लोग जानते होंगे, ये गियर है और ये न्यूट्रल सिस्टम है जो कि ओल्ड मॉडल बुलेट में आता था, आज के क्लासिक में कभी नहीं आता है। और जो लोग रॉयल इनफील्ड के प्रेमी आदमी हैं वो रॉयल इनफील्ड क्लासिक पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये जो बुलेट का आवाज़ है ना, अभी आपको साउंड सुनाएंगे, आप एक बार इसका साउंड देखिएगा, इस बुलेट का जो साउंड है ना वो कभी रॉयल इनफील्ड क्लासिक में नहीं आ सकता है, क्योंकि वो जो फील होता है ना, बी रॉयल देन इनफील्ड, वो वाला फील पुराने बुलेट में है, नया बुलेट में नहीं है। तो अगर बात करते हैं इसके प्राइस की, तो इसमें करीब इंजन और पूरा जो पार्ट्स है वो सब कैलकुलेट अगर करते हैं ओवरऑल, तो अप्रॉक्स आ रहा है 23,000, मतलब 23,000 रुपये के आसपास खर्चा हुआ है इंजन और मैकेनिकल खर्चा, जो कि प्रॉपर मैकेनिकल है। और अगर बॉडी पेंट का बात करते हैं तो बॉडी पेंट का अप्रॉक्स खर्चा आया है 8,000 रुपया। और ये जो क्रोम फिनिशिंग देख रहे हैं ना, जिसको हम लोग निकल भी बोलते हैं, ये पूरा जो क्रोम फिनिशिंग है ये पूरा क्रोम नया हुआ है, तो इसका अप्रॉक्स जो कॉस्ट है वो आया है 6,000 रुपया। समझ सकते हैं हमको अप्रॉक्स 40,000 के आसपास जो है वो खर्च आया है इस बुलेट को रीस्टोर कराने में, और अभी भी बहुत कुछ काम जो है वो बाकी है। तो इस वजह से इसका ब्लॉग जो था वो चैनल पे नहीं आया था, बट लॉकडाउन है तो सोचे क्यों ना आप लोगों के साथ इसका डिटेल शेयर किया जाए, और इसको राइड भी करेंगे, चलाएंगे भी, रिव्यू भी शेयर करेंगे, हर एक वीडियो जो है इससे रिलेटेड मेरे चैनल पे आएगा। तो आपको बता दें कि इस बुलेट में कुछ काम बाकी है, काम जैसा बाकी है कि फ्रंट और रियर टायर जो है इसको चेंज करना है, और इसका जो पेंटिंग हुआ है ना, पेंटिंग का पूरा प्रोसेस नहीं हो पाया है, पूरा प्रोसेस क्योंकि लॉकडाउन हो गया इस वजह से नहीं करवा पाए हैं। तो इसमें होने वाला है अभी रॉबिन पॉलिश होने के बाद एक बार इसमें पेंट सीलेंट तो कराएंगे, फिर इसका जो साइन है ना वो काफ़ी ग्लॉसी हो जाएगा और देखने में और भी खूबसूरत लगेगा। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और वैसे इस बुलेट को राइड भी करने वाले हैं और थोड़ा सिटी राइड करके देखने वाले हैं, अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा और कोई इशू नहीं आया तो लॉन्ग राइड पे भी इसको लेके जाने का प्लान है मेरा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक बात आपके साथ शेयर कर दें कि इस बाइक से रिलेटेड, ये जो ओल्ड मॉडल बुलेट जो रिस्टोर करा है, इससे रिलेटेड कैसा कैसा ब्लॉग आपको देखना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, और इस बाइक में अगर कुछ कमी आपको महसूस हो रहा है तो वो भी बताइएगा। जैसे अलॉय व्हील जो है वो हम जानबूझ के नहीं लगाए हैं, क्योंकि वो इस बुलेट पे अच्छा नहीं लगेगा, पर्सनली हमको पसंद नहीं है, तो इस वजह से स्पोक व्हील रखे हैं। और जो भी बाइक में आपको लगे कि हाँ कुछ कमी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, उस पर हम ध्यान देंगे, अगर पसंद आया तो उस चीज़ को भी चेंज कराया जाएगा। और आइए पास दिखाते हैं बाइक स्टार्ट करके। तो ये रहा इसका चाबी, और यहाँ पे हम लोग चाबी को ऑन किए। एक चीज़ आपको दिखा देते हैं कि ये जो ओल्ड मॉडल बुलेट है ना, इसका थोड़ा कंप्रेसर इशू है और कंप्रेसर मिलाना पड़ता है, ऐसे नहीं है कि आप डायरेक्ट आइएगा और किक मारे सेल्फ मारे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, इसमें सेल्फ नहीं है, ये किक सिस्टम है। तो इधर भाई पास लाना थोड़ा मीटर के पास, ये है इसका कंप्रेसर मीटर, ठीक है। ये कंप्रेसर मीटर जब तक जीरो पे नहीं रहेगा तब तक किक अगर मारिएगा तो आपको जो किक का जो किकबैक है वो फील कराएगा, कंप्रेसर अगर सही से नहीं मिलेगा तो थोड़ा झटका देगा, तो इस वजह से इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा इसका मीटर कंसोल, जो काफ़ी मतलब सिंपल है और काफ़ी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है इसका मीटर कंसोल। राइट हैंड साइड में आपको किक और गियर देखने को मिलता है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो है इस साइड में मिलता है आपको ब्रेक, रियर ब्रेक जो है वो लेफ्ट साइड में मिलता है, जो कि आपको पता है कि ओल्ड मॉडल जो बुलेट था इसका उल्टा रहता था। अदर कोई भी गाड़ी अगर आप उठा लीजिएगा तो आपको राइट साइड में ब्रेक देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड में गियर देखने को मिलता है। तो अभी इसको स्टार्ट करने वाले हैं और इसका जो साउंड है वो आपको सुनाने वाले हैं, वो चीज़ आप फील करके और ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इसका साउंड कैसा लगा आपको।
कुल मिला के बात ये था कि आज का ब्लॉग जो था ये छोटा सा ब्लॉग था, क्योंकि लॉकडाउन है सो इस वजह से बाइक को बाहर लेके नहीं जा सकते हैं और इस वजह से इसका फर्स्ट राइड का ब्लॉग अभी तक नहीं आया है। जैसे लॉकडाउन ख़त्म होता है इस बाइक को हम लोग राइड करेंगे और हर एक कंडीशन में राइड करके देखेंगे, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल बुलेट है, इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है ये स्टोर होने के बाद, ये डिटेल भी शेयर करना बहुत ज़रूरी है आप लोग के साथ। और पर्सनली हमको क्या एक्सपीरियंस होता है इसको चलाने के बाद वो भी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज का ब्लॉग ये छोटा सा रहेगा और आप लोग को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल के सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट है।